नमस्कार दोस्तों, आज हम नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं उसके विषय में बताने वाले, चाहे रूट 7 का, रूट 10 का, रूट 11, रूट 13, रूट 47, रूट 265, रूट 378, रूट 445, रूट 228, यानी कितनों भी बड़ी संख्या, हजार, 10,000, 50,000, 10 लाख, 50 लाख, कितनों भी बड़ी संख्या अगर आपको दे दिया जाए तो आसानी से आप कैसे नॉन परफेक्ट नंबर, जैसे कि अगर आपको जनरली पूछा जाए, जनरल पूछा जाए कि 4 का रूट बताए तो आसानी से बता सकते हैं 2। अगर आपको पूछा जाए 1 to 1 किसका रूट है तो डायरेक्टली 11, क्योंकि ये सब परफेक्ट नंबर है, आप जानते हैं कि इसका आपको तुरंत ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको 64 का रूट पूछा जाए तो कितना होगा, 8। आसानी से ये सब संख्या का आसानी से ज्ञात कर सकते, लेकिन 7 हो, 10 हो, 11 हो, 13 हो तो उसका आप नहीं निकाल सकते, दिक्कत होते काफ़ी ज़्यादा। तो दिक्कत को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर आपके पास आए, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, रूट एक्स प्लस माइनस वाई बराबर एक्स, रूट एक्स प्लस माइनस वाई बटर 2 इंटू रूट एक्स, बस इसको याद रखिए। आप आसानी से किसी भी प्रकार का कोई भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, समझते चलिएगा कैसे हम निकाल रहे हैं। उसके बाद आप नीचे कमेंट लिखकर बताइए कि हमारा यह वीडियो जो है कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हमें लगते हैं कि नॉन परफेक्ट बहुत ही आसानी हो जाएंगे, आपको याद रखने की जरूरत सिर्फ समझ जाइए, कहीं पर भी कभी भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, अगर हमें रूट 7 का अगर हमको निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एक्स और वाई में कन्वर्ट करेंगे। एक्स वाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब 7 के आसपास का संख्या ढूंढिए। अब 7 के आसपास का संख्या अगर आपके कहा जाए तो 7 के आसपास का वैसी संख्या ढूंढिए जो कि आपको स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जिसका रूट टूटना चाहिए। तो हम देखें 7 के आसपास का संख्या, एक अगर 7 से पहले जाते हैं तो 7 से पहले जाते हैं यानी पीछे की ओर, तो एक 4 मिलता है। अगर 7 के आगे जाते हैं तो हमें 9 मिलता है। अब रास्ता किधर जल्दी आप पहुंचिएगा उसी संख्या को उठाइए। जैसे यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो 3 पीछे जाना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 2 आगे जाना पड़ेगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर आप 2 किलोमीटर आगे जाइएगा तो आपको अस्पताल मिल जाएगा, और आपसे कह दिया जाए कि पीछे 3 किलोमीटर जाइएगा तो अस्पताल आपको मिल जाए, किधर कौन वाला अस्पताल आपको जाना ज़्यादा पसंद करेंगे? सिंपल सा बात है, जो 2 किलोमीटर है, जो डिस्टेंस कम होगा उसी की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम थिंग से जो भी संख्या होगा उसका नियरेस्ट वैल्यू ढूंढिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमको पता है 9 का, ठीक है, तो 9 का अगर हम करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर 7 है तो हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यह जो है यहाँ पर रूट हम चढ़ा देंगे इस फॉर्म में। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस करते हैं, माइनस होता है तो माइनस, जैसे कि अगर 4 वाला लेते तो यहाँ पर प्लस करना पड़ता, क्योंकि 4 + 3 = 7 होता, बनेगा दोनों से, इधर से भी बनेगा इधर से भी बनेगा, लेकिन हम लोग जिधर सामने होगा उधर की ओर ही हम लोग चलेंगे। अब यह जो हो दोस्तों, यह एक्स हो गया और यह जो वाई हमारा वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या करना, उसके बाद रूट एक्स लेना है, तो रूट एक्स मतलब 9 का रूट लेना है। फिर यहाँ पर क्या करना, माइनस लेना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब वाई कितना है, 2 है, हम वाई बराबर 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पर 2 इंटू एक्स के जगह पर 9 रूट कर देंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पर हमें क्या करने होंगे, यहाँ पर ध्यान से आप यहाँ पर समझिएगा। अगला स्टेप पर दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा 2/2 × 3, ठीक है। उसके बाद 3 - 2/2 कितना आ जाएगा, 6। इसको अगर हम काटते हैं, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 8/3, क्लियर। अब जब ही इसको भाग देंगे तो आ जाएंगे 2.67, यानी कि रूट 7 का अगर हम निकालते हैं, रूट निकालते हैं तो इसका जो आएगा 2.67, यही आपका आंसर हो चुका है ना दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। आइए यहाँ पर, अगर हमें रूट 10 का निकालना रहे तो सबसे पहले हमें नियरेस्ट में ढूंढना, तो नियरेस्ट में कितना है, 9 है, 10 का नियरेस्ट में, जो कि परफेक्ट स्क्वायर निकलने वाली।
9 प्लस 1 क्योंकि ये क्योंकि 10 लाना था, अब यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, 9 का रूट अगर हम चढ़ाएंगे, यानी कि डायरेक्टली हम वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 9 का रूट चढ़ाएंगे तो कितना निकल के आएंगे, 3। अब प्लस यहाँ पर करेंगे, उसके बाद y के स्थान पर कितना, 1 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों 2 इंटू रूट 9 यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, 6, हमारा यहाँ पर 6। डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू को प्लेस कर रहे ताकि समय कम खपत हो, समय कम खपत हो इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18, ठीक है, 6 3 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19, 19 बटा कितना हो जाएगा, 6। अब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 3.16, है ना दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। अगर रूट 11 का अगर हमें निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, रूट 11, तो रूट 11 के लिए सबसे पहले उसका नियरेस्ट का वैल्यू ढूंढिए। तो नियरेस्ट में हमारा कितना, 9 है, 9 प्लस 2, ठीक है, 9 प्लस 2 करेंगे तो यानी कि यहाँ पर 9 का जब हम रूट करेंगे, यानी कि 9 रूट जब चढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 3, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 2 है 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर इसका रूट तोड़ेंगे यानी कि इस फॉर्मूला पर बिठाते हो 3 और 3 दूना फिर से आ जाएगा हमारा कितना, 6 हो जाए। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। फिर इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 बटा हमारा 3 आ जाएगा। इस प्रकार से जब हम इसको भाग देंगे तो 3.33 आपका आ जाएगा, यही आपका सही आंसर है। तो नन परफेक्ट का स्क्वायर आप इसी तरह से करके आप निकाल सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आ सकते हैं। अगर हम चौथा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो चौथा एग्जाम्पल हमें 13, रूट 13 का अगर हम निकालने के लिए जाते तो सेम थिंग से इसका नियरेस्ट वैल्यू खोजते, तो नियरेस्ट वैल्यू कितना है, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 करते हैं तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे दोस्तों, 3। जैसे निकाल रहे हैं उसी प्रकार से जो फॉर्मूला अपन मान पुट कर रहे हैं सेम थिंग से 3 हो जाएंगे, फिर प्लस 4, फिर 2 इंटू रूट 9, आप लिख सकते हैं स्टेप को या तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 4 बटा यहाँ पर 3, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। इसको काटेंगे तो इसका 2 और इसका काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेते हैं, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 3 9 10 1 11, 11 बटा कितना आ जाएगा, 3। अब जब इसको हम भाग देंगे तो आ जाएगा 3.666, यानी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगा 3.6। अब एक बार अगर हम इसी संख्या को आगे करके लेते हैं, आगे करके लेते हैं तो क्या आएगा, यानी कि अगर आप आगे करके लेते हैं दोस्तों, जैसे कि फिर से अगर हम इसको निकालते हैं रूट 13 को, फिर से अगर निकालते हैं आगे करके, कहने का मतलब है कि अगर हमारा परफेक्ट है 16, क्योंकि अगर 16 लेते तो हम 3 ही आपको उधर जाना पड़ेगा, यानी 3 में 3 घटाएँ 16 में 3 घटाएँगे तो कितना आ जाएगा, 13। इसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं, तो इसके हिसाब से बनाने के लिए रूट 16 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, y के स्थान पर यस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आप ऊपर में देखे थे सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 इंटू 4, ठीक है, उससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 3 बटा 8, ठीक। अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 चौके कितना होगा, 32। 32 में 3 अगर चला जाता है तो कितने हो जाएंगे, 32 में अगर 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 29, यानी 29 बटा 8 हो जाएगा। जब 29 बटा 8 को जब हम भाग करेंगे तो भाग करने पर आएगा हमारा दोस्तों 3.625, अप्रोक्सीमेट हम इसको लिख सकते हैं 3.6, यानी कि अगर आप आगे की ओर जाते हैं तो भी आपका बनेगा, पीछे की ओर जाते हैं तो भी आपका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं 47 का, अगर हम 47 का अगर हम ले लेते हैं तो कितना हमारा आंसर आएगा, आइए उसके भी विषय में यहाँ पर देखते हैं। अगर हमें 47 बनाना रहे,
जैसे कि 47, एक बड़ी संख्या लेते 47। अगर 47 का रूट करना है तो 47 का रूट करने के लिए कैसे निकालेंगे उसके भी विषय में यहाँ पर समझ लीजिए। तो 47 का रूट निकालने के लिए नियरेस्ट में खोजिए, तो किसका आता 49 का, 49 का आएगा। अब 49 में कितने घटा देंगे, दो दो घटा देंगे तो 47 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से 49 का हम यहाँ पर फॉर्मूला पर बिठाते हैं तो इसका रूट होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। फिर माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे, फिर कितना है यहाँ पर, दो दो लिखेंगे बटा टू इंटू कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब दो दो यह हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा कितना, 7। यानी कि जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 में एक चला जाएगा तो कितना होगा, 48, 48 बटा कितना हो जाएगा, 7। इसको जब हम भाग देंगे तो आएगा 6.8। यही आपका सही आंसर है ना दोस्तों, काफ़ी अच्छे से आप निकाल सकते हैं। आइए एच डब्ल्यू के तौर पर कुछ और संख्या आपको देते हैं ताकि आप घर से बना करें इस कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर आप हमें बताइएगा। पहला है आपका यहाँ पर 265, अगर 265 का निकाल के आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हम दे रहे हैं, दूसरा जो है 378, ये जो है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम आपको दे रहे हैं 445, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दे रहे हैं चौथा पर, चौथा नंबर पर 228, इसका भी कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। अब थोड़ी सा हम इसको हिंट दे देते हैं कि इसको कैसे बनाइएगा। जैसे कि 265 का निकालना रहे तो 265 का निकालना रहे तो इस प्रकार से रूट करेंगे, तो 265 का नहीं जानते, 265 के आसपास का रूट को आप ढूंढिए, तो 265 के आसपास का रूट कितने होता है, 256। 256 किसका होता है नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइए। अब इसमें 11 अगर हम जोड़ देते, सॉरी 9 अगर हम जोड़ देते तो कितने आ जाएंगे, 265 आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर 361, जैसे 378 का तो नहीं होता लेकिन 361 का अगर लिख देंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसका भी नियरेस्ट खोजिए, इसका भी नियरेस्ट खोजिए, और इसका वैल्यू क्या आएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए, इसका वैल्यू क्या आएगा कमेंट बॉक्स पर बताइए, और इसका वैल्यू क्या आएगा। इस चार क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर बताइए। अगर आप बिना पॉज किए हुए भगाए हुए अगर पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको जरूर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाकर जुड़ जाएं ताकि आने वाला हर प्रकार का वीडियो देख पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।